बार बुला लेता है शब्बीर मुझे, 100 बार बुला चुका है लेकिन आना बेकार ही हुआ है। जूतियाँ चटक के रह गई है लेकिन कमाल है कि उसको कोई पसंद आया वो रिश्ता। पता नहीं बेटी के नखरे कितने, आफत की परकाला बेटी, तोबा तोबा, तिगनी का नाच नचा के रख दिया, कोई लड़का पसंद नहीं आया उसे। हेलो, अरे भाई कोई है घर में? तोबा, बुला तो ऐसे लेते हैं कि बस हथेली पे सरसों जमानी है, फुर्सत ही नहीं होती, मुझे कितने काम होते हैं। भला बताओ यहाँ से फारिग होके मुझे डॉक्टर साहब के पास भी जाना है, उनकी बेगम इंतजार कर रही होंगी। क्या हुआ? अरे दुलारी क्या हुआ? डस लेगा। ये सांप, इससे डरेंगे तुम? नहीं। बूढ़ी हो गई हो लेकिन तुम्हारा बचपना नहीं गया। अबे ये रबड़ का सांप है। रबड़ का है? तुम्हें कितनी दफा कहा है दुलारी नहीं कहा करो, मिस्ट्री कहा करो। एक तो वैसे दम निकला हुआ है, तुम्हारे कहने से दम निकल जाता है। मिस्ट्री? बिल्कुल, ये पूछो किसे मेरे पर सांप है क्या? ओके ओके, अभी पूछो। अलीजा, अलीना, अलीना जी। अबू, अस्सलाम वालेकुम दुलारी आंटी। दुलारी नहीं, मिस डी। और वालेकुम सलाम। ओ सॉरी मिस डी जी। अबू, बहुत अफसोस की बात है, नहीं मेहमानों को घर बुला के ये शुरू करते। मेहमान कहाँ है? मेहमान? दुलारी आंटी की बात कर रहे हैं। कितनी दफा कहा है मिस डी? सॉरी मिस डी। ओह मिस डी, मेहमान है। आपने तो कहा था रिश्ते कराने वाली हैं और बहुत ही फजूल से रिश्ते कराती हैं। अलीना, और किसी तरीके से इनको बताओ, आप क्यों नोच रही हैं? एक तो इतनी मुश्किल से मैंने अपनी पॉकेट मनी से स्नेक खरीदा और फजूल में मुझे मारे जा रही हैं। बस बस बस, ओके, जाके मिस डी के लिए जूस लेके आए। सुनो, खाली जूस नहीं लाना, कुछ खाने को भी लाना। श्योर मिस डी। बैठो। अब तुम्हारी बच्चियों की इन शरारत से अगर मेरी जान चली जाती, मुझे दिल का दौरा पड़ जाता तो क्या होता? मिस डी, एक बात यकीन से कह सकता हूँ कि मेरी बेटियों का रिश्ता कराए बगैर तुम फौत नहीं हो सकती। अच्छा ये बताओ, को रिश्ता तो ये फिर डर गई है तुम, खुदा का वास्ता। पीछे रखो इसको। हाँ, रिश्ते की बात कर रही तो। हाँ, मैं एक रिश्ता लेकर आई थी, मैं तो भूल ही गई सारे फसाद में। वो अपने बराबर में जो बंगला है ना, मार्केट का हाल तो तू जानता ही है बेटा, मुकाबले का जमाना है, सबके साथ मिलके चलना है और अपनी साख भी बरकरार रखनी है, और भाई मुनाफा भी तो कमाना है। अब्बा जी अस्सलाम वालेकुम। अब्बा जी, वो हरकत संस के ऑर्डर का क्या करना है? काफी बड़ा ऑर्डर है, क्या हम कर पाएंगे? अरे संभाल लेंगे यार, वो अपने छोटे भाई को अपने साथ काम पर लगा। भाई तेरा लाडला, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। वो जी पता नहीं मैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम। चल भाई चल, जूस डाल ले। हाँ तो मैं दम नहीं है तेरे। मैं अभी साफ कर देती हूँ। जाहिल औरत। मैं अभी साफ। हाजी साहब, खैरियत, नाश्ता तो कर ले, माफ कर देना, गलती हो गई बस। तू क्या मुरत में निकली है? शायदाल भाई, क्या कर रहे हैं? क्या हुआ नीना मुझी? इस्लाम भाई, पाकिस्तान मैच जीत गया है। अब जल्दी से आप जाएं, मिठाई लेकर आए, मुझे पूरे मोहल्ले में बांटनी है। हम किधर नहीं जा रहा, हम सफाई कर रहे हैं। इस्लाम भाई दे मुझे। अरे सफाई तो रोज ही होती है, लेकिन पाकिस्तान तो मैच कभी कभार जीतता है ना। अच्छा जल्दी से जाएं वरना जीत का मजा पुराना हो जाएगा। हमारे समझ में एक बोझ तो नहीं आता है, जीते कोई हारे कोई, मगर नुकसान आपका क्यों होता है? ये बहुत गलत बोलते हैं। इस्लाम भाई आप बहाने बनाना छोड़ें और जल्दी से जाके मिठाई लेकर आएं।
मोहल्ले में सब मेरी मिठाई का इंतजार कर रहे होंगे। या अल्लाह, ये हमारा घर में किसको पैदा कर दिया? इसको तो किसी क्रिकेटर के घर में पैदा होना चाहिए था। ये पकड़े और जल्दी से जाके मिठाई लेकर आए, वरना मैं ये नहीं दूंगी। अच्छा अच्छा, कौन सो रहा है? अब तो मिठाई लेकर ही आएगा। और हाँ, हम भी खाएगा मिठाई। यस, पाकिस्तान मैच जीत गया। अब्बा जी आज नाश्ता किए बगैर ही निकल गए। मुझ पे गुस्सा करके उनका पेट जो भर जाता है। खैर, कौन से भूखे रहने वाले हैं वो, दुकान पर जाकर कुछ ना कुछ मंगवा कर खा लेंगे। बस घर वालों को बेइज्जत करना आदत है पुरानी। अब्बा जी और आरिफ का मिजाज बिल्कुल एक जैसा। ये आदल किस पर गया? अम्मी, आरिफ और निम्रा अपने बाप पर और आदिल मुझ पर। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बहुत मोहब्बत करने वाला है। मैंने कभी उसे गुस्सा करते नहीं देखा। हाँ, बहुत प्यारी तबीयत का है मेरा बेटा। अल्लाह करे उसकी बीवी भी उसे वैसे ही मिले। आमीन। कितना इंतजार करवाओगे नोमी? 6 साल हो गए और ये 6 साल मैंने कैसे गुजारे कोई मुझसे पूछे। एक एक दिन एक एक सदी के बराबर था मेरे लिए। मगर क्या तुम बेताब नहीं हो मुझसे मिलने के लिए? यकीनन होगे। मगर वो ही बचपना, पहले हर बात छुपानी है, फिर एकदम से सरप्राइज देना है। पता है अब्बू को मेरी शादी की इतनी फिक्र है ना, रोज दुलारी आंटी को नए नए ऑप्शंस लेकर आ जाती हैं। मगर खैर, मैं भी किसी से कम थोड़ी, मजाल है जो उनकी दाल गलने दियो। मगर मैं ये सोच रही हूँ कि अब्बू ने अब तक तुम्हारे बारे में क्यों नहीं सोचा? क्यों उन्होंने ताई अम्मा से अब तक हमारी बात नहीं की? अब मैं खुद उनसे कैसे कहूं कि मुझे सिर्फ तुम पसंद हो, सिर्फ तुम। अंकल, वैसे आपको नहीं लगता कि अब आपके जूलियट पे बुढ़ापा आ गया, इसको रिटायर कर देना चाहिए? खुद रिटायर होने के बाद हर चीज को रिटायर करना बड़ा मुश्किल होता है महसन। ये भी ठीक कह रहे हैं आप। हेलो अंकल। हेलो, हाउ आर यू माय सन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? फर्स्ट क्लास। लगता है आपकी जूलियट आज फिर से नाराज हो गई आपसे। यार अब ये तो हर रोज मुझसे नाराज रहती है, पता नहीं क्या चक्कर है। अंकल, वैसे आपको नहीं लगता कि अब आपकी जूलियट पे बुढ़ापा आ गया, इसको रिटायर कर देना चाहिए? खुद रिटायर होने के बाद हर चीज को रिटायर करना बड़ा मुश्किल होता है माय सन। ये भी ठीक कह रहे हैं आप। चले हटिए, मैं देखता हूँ। अंकल, आप जरा गाड़ी स्टार्ट करके देखें। ओके, थैंक यू माय सन, थैंक यू वेरी मच। यार मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये ज्वेलर तो मेरी है, लेकिन ये तुम्हारे काबू में कैसे आती है? अंकल, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि ये जो आपकी जूलियट है ना, इसको एक नया रोमियो मिल गया। God bless you my son, thank you very much. Pleasure. ख्याल रखिएगा अपना। और अंकल, अगर दोबारा आपको जूलियट तंग करे ना, तो मेरा नाम ले लीजिएगा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कहिए। मुझे 2 पैकेट बिस्किट दे दें। हाँ हाँ, 2 पैकेट बिस्किट कर दें। और 1 ब्राउन ब्रेड। ऐसा कीजिए कि 1 सैंडविच दे दीजिए। एक सैंडविच। और कुछ? कितने पैसे हुए? कितने हुए भाई? 425। थैंक यू। हमारी दुकान की मिठाई बहुत मशहूर है, किसी दिन आइएगा ना। श्योर, मैं जरूर आऊंगा। अच्छा, मैं आपको अपना कार्ड दे रहा हूँ। ये मेरा कार्ड है, आइएगा। थैंक यू। ये थैंक यू। बाय बाय। अरे क्या हो रहा है यार? हाँ? पढ़ाई हो रही है, तुम्हारे काम की कोई चीज नहीं है, इसलिए तुम पूछो भी मत। नहीं नहीं, वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हें अगर किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए हो ना, तो मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। हाँ भाई, वाह क्या बात है, मेरे इंटर पास दोस्त भी हैं। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि ये इंटर से नेक्स्ट लेवल कोर्स है, आपकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए नो थैंक्स। देखो, तुम अंडर एस्टिमेट कर रही हो मुझे। यहाँ पर याद नहीं है तुम्हें, जब हम छोटे होते थे तो स्कूल में क्लास 8 के बच्चों को मैंने एक दफा मैथ्स पढ़ाई थी, और मैं क्लास 7th में होता था। हाँ हाँ, पर मुझे साथ में ये भी याद है कितने बुरे तरीके से फेल हुए थे वो मैथ्स में तुम्हारी वजह से। यार तुम्हें हमेशा बुरी बातें क्यों याद रहती हैं मेरे बारे में, कोई अच्छी बात क्यों नहीं याद रहती? वो इसलिए क्योंकि अच्छी बात याद करने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, और इतनी फारिग नहीं हूँ मैं कि तुम्हारी बात याद करने के लिए इतना दिमाग लगाऊं। इसलिए प्लीज मुझे अब पढ़ने दो, खुद तो तुम्हें ना पढ़ा है ना पढ़ने का इरादा है, मुझे तो कम अज कम पढ़ने दो। अच्छा सुनो, थोड़ी देर तो मेरे साथ बैठ कर बात कर लो, मैं बाहर बहुत बोर हो रहा हूँ यार। वो सामने दरवाजा, और बात सुनो, मेरे लैपटॉप का चार्जर ला दो प्लीज। वैसे तो मैं एक बात बताऊं, तुम बदल गई हो बहुत ज्यादा, और ये हर वक्त जो basically.com ऑन किया होता है ना तुमने मेरे लिए, इस वेबसाइट को कभी बंद भी किया करो। इस जमाने के अंदर मुझ जैसे खूबसूरत और अकेले लड़के के लिए कुछ भी नहीं रखा। दफा हो जाओ, वो दरवाजा है सामने, बाय। कोई नहीं प्यार करता, तुम निकल रहे हो, सलू क्या हूं मैं, क्या चीज है, पता नहीं कहां थी मैं। आगे तुम बेटा। कैसी हैं आप अमीरा? अच्छा ये बताएं कि आपके जो मिजाजी खुदा हैं, आज किस बात पर गुस्सा है उनको? बुरी बात है बेटा, बाप है तुम्हारे। वालदा मोहतरमा, इस घर में हर बुरी बात को फखर से अपनाने का रिवाज है। अच्छा छोड़ो फजूल बातें, ये बताओ सुबह नाश्ते की टेबल पर आए क्यों नहीं? तुम्हारे अब्बा जी नाराज हो रहे थे। अरे अम्मी, दोस्तों के साथ नाश्ते का प्लान बन गया था, मैं वहां चला गया, और अब्बा जी की तो छोड़े, उनको तो गुस्सा करने के अलावा और कुछ जाते ही नहीं। तो और बात करते हैं, किधर आए? इधर बैठे, इधर बैठे, इधर। एक बात तो बता, अब्बा जी शुरू से कैसे जीत पे चिखाड़ते हुए, गुस्सा करते हुए औरत को अपना गुलाम समझते? अरे बेटा, शौहर वाकई मिजाजी खुदा होते हैं, और औरत का फर्ज है बेटा कि वो अपने शौहर की ताबेदारी करे, उसका हुक्म माने। अगर बीवी शौहर का इतना ख्याल रखती है, उसका हर हुक्म मानती है, तो मर्द का भी तो फर्ज बनता है ना कि बीवी का भी ख्याल रखे। ये अमेरिका नहीं है बेटा जी, जहाँ पर औरतें काम के लिए जाएं और मर्द घर में बैठकर खाना बनाए। अम्मी तो इसमें हर्जी क्या है, औरत भी तो इंसान ही है, मर्द की जागीर तो नहीं है ना। ऐसी बात नहीं बेटा, कुर्बानी तो औरत को ही देनी पड़ती है ना, तभी तो अल्लाह पाक ने माँ के पैरों तले जन्नत रखी। मेरी प्यारी अम्मी, मेरी जन्नत। एक बात तो पक्की, मैं अपनी बीवी के लिए खाना जरूर बनाऊंगा, लेकिन अब्बा जी से चुप गए। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर बनाना और मुझे भी खिलाना, देखो तो सही मेरा बेटा कितना बड़ा बावर्ची। चौक मेरी अम्मी जाए। अच्छा बेटा, दुकान पर चले जाया करो।
देखो तुम्हारे अब्बा जी जो है ना, इतनी मेहनत नहीं कर सकते अब। तुम दोनों भाई मिलकर संभालो ना दुकान को, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझो बेटा। जो होगा मेरी माना। अच्छा एक कप चाय बनाएं? हाँ अभी बनाती हूँ चाय। आपके हाथ की बनी हुई चाय किसी होटल से मिलती नहीं? हाँ बड़ा चलाक है, बीवी आई ना तो पूछेगा भी नहीं। बीवी आएगी तो देखी जाएगी। बेटा हमने सारा मसाला इसके अंदर डाल दिया है, अब ये खुद इस पानी में गलेगा। ठीक है? है जब तक हम ये सब्जी काटते आज। फिर सब्जी कब डालेंगे हम? जब गोश्त गल जाएगा ना बेटा, फिर हम उसमें सब्जी डाल लेंगे, और जब तक हम सब्जी छीलते हैं। चलो वाह, बड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है आज तो। लगता खाना अलीजा बना रही है। क्या अलम भलम पकाने लगी हो तुम? सल्लू खाने को सरानी बोलते हैं। अरे नहीं नहीं अम्मी, मैं खाने के बारे में थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तो उस खाने के बारे में बोल रहा हूँ जो आज लीजा बनाने वाली है। अगर ऐसी बात है ना तो हाथ मत लगाना मेरे बनाए हुए सालन को, आ जाएगा एंटर भूख की तरह। एक मिनट, ये पाबंदी सबके लिए है या सिर्फ सल्लू के लिए? ये सिर्फ सल्लू के लिए है, इसी को मेरे खाने में नुक्स नजर आते हैं। हाँ तो सिंपल सी बात है ना चाचा जान, ये खाने में नुक्स डालती ही क्यों है? सल्लू बकवास बंद कर लो, वरना कसम से ये छुरी तुम्हारे पेट में मार दूंगी। चाचा जान देखा आपने, देखा मैं आपसे कहता था ना बहुत डेंजरस औरत है, देखिए हर वक्त मरने मराने की बातें करती रहती है। बड़ी आई जेम्स बॉन्ड। हाँ तो तुम क्यों सड़ रहे हो? ऑब्वियसली क्योंकि तुम तो किसी एंगल से जेम्स बॉन्ड लगते नहीं हो। अरे मैं क्यों सड़ूंगा, सड़ेगा तो वो खाना जो तुम पकाने वाली हो। आपके अब्बा जी नजर नहीं आ रहे। अब्बा जी नमाज पढ़ने गए, मैं नहीं जा सका, रश का टाइम है इसलिए। थैंक यू। आरिफ भाई आपका फोन है। मेरा फोन लैंडलाइन पे। हेलो। अरे आप, आपको यहाँ का नंबर कैसे मिला? ओ ये तो मेरी खुशकिस्मती है, जरूर जरूर जब आप बोले किसी अच्छे से होटल में बैठ के खाना खाते हैं। हाँ तुम्हारी हर बात समझता हूँ, तुम नहीं समझती। क्या नहीं समझती? कितना फासला है तुम्हारे कमरे से यहां तक का है बेटा जी? 20 मिनट पहले बुलवाया था मैंने तुम्हें यहां। तैयार नहीं होना? तैयार तो मैं हूं। हैं? ये तू तैयार है? जिनके घर जा रहे हैं अरबपति लोग हैं,